लद्दाख, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि लद्दाख की सूरत हाल क्या है। लद्दाख के अंदर सिचुएशन ये है कि जनाब हर दिन वहां नई सियासत होती है, और अब की बार जो खबर सामने आ रही है लद्दाख के लिए मरकजी हुकूमत का प्लान बी भी है, और उस प्लान बी पर काम शुरू हो गया है। लद्दाख के अंदर सियासी गर्माहट को पैदा करने के लिए लद्दाख इंतजामिया और लद्दाख के लोगों के साथ मजीद तालमेल को बेहतर करने के लिए जम्मू मरकजी हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है कि मजीद कुछ डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए जाएंगे, और यह माना जा रहा है कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट MCC लगने से पहले लद्दाख के हवाले से एक बड़ा फैसला होगा जहां पर मजीद अजला कायम किए जाएंगे। फिल वक्त लद्दाख के अंदर सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल, और मुख्तलिफ इलाकों से लगातार ये मांग हो रही है कि मजीद अजला कायम किए जाए, और अब खबर ये है कि मजीद डिस्ट्रिक्ट लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर कायम किए जाएंगे, और ये मजीद डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये उन इलाकों के अंदर कायम किए जाएंगे जहां पर लगातार आवाजें पिछले कई दिनों से उठ रही थी। बड़ी खबर कि मजीद डिस्ट्रिक्ट को कायम किया जाएगा लद्दाख के अंदर, दो नए डिस्ट्रिक्ट जांस्कार के अंदर, करगिल के अंदर, और नोबरा लेक की बात जो है वो सामने आ रही है जहां पर लद्दाख की आवाम को ये सारी चीजें जो है वो मिल सकती है। मोहम्मद इसाक मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। एक बड़ी बात इस वक्त सामने आ रही है कि लद्दाख की आवाम के साथ जो मुसलसल बात सामने आ रही थी उसमें डिस्ट्रिक्ट्स के कयाम के हवाले से खबर आ रही थी, और अब माना जा रहा है कि मरकजी हुकूमत उस मसवदे को मंजूरी देने के बिल्कुल करीब है, और बहुत जल्द इसमें ऐलान किया जा सकता है। मजीद क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है, किन किन इलाकों को डिस्ट्रिक्ट्स का दर्जा मिल सकता है इसाक? जी गौहर साहब, आपको बता दें जैसे लद्दाख के अंदर कई सारे रीजन हैं जहां से कई वक्त से डिस्ट्रिक्ट रिमांड किया जा रहा था, और उनमें से एक जंस्कार जो कि काफी गया है, और जंस्कार के लोग डिस्ट्रिक्ट डिमांड कर रहे थे, और उसके बाद नुबरा, और उसके अलावा भी कई सारे जगह हैं जहां से डिस्ट्रिक्ट डिमांड किया जा रहा है। करगिल में जिसे अगर हम द्रास की बात करें, सांगू की बात करें, या शम एरिया की बात करें, या और भी जगह है जहां से डिस्ट्रिक्ट की मांग किया जा रहा है, लेकिन आप जो है गवर्नमेंट की तरफ से कई बार इस तरह की खबरें हमें देखने को मिल रहा था, और रिसेंट अपडेट यही है कि आने वाले समय में चूंकि खबरें आ रही है कि जंस्कार और नुबरा को डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा है, और एक तरफ से अगर हम देखा जाए एक मूवमेंट जो है लगातार जारी है 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर, जिसमें KDA और एपेक्स जो है अपने मूवमेंट में काफी तेज और एग्रेसिव तरीके से अपने मूवमेंट को तेज कर रहे हैं, और यानी 3 तारीख को लेह चलो आंदोलन शुरू किया है और करगिल बंद का नारा भी दिया है, और इस बीच इस तरह की खबर आना यह अपने अपने आप में काफी अहम है, चूंकि रूलिंग पार्टी की ओर से अगर जंस्कार और नुबरा को डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है और कोड ऑफ कंडक्ट से पहले अगर ये अनाउंसमेंट किया जाता है तो यकीनन ये रूलिंग पार्टी के लिए काफी मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि लद्दाख के अंदर जंस्कार के जो लोग हैं उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को यूनाइटेडली सपोर्ट किया था, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने यह आश्वासन यकीन दहानी दी थी कि जंस्कार को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा, और अगर जंस्कार को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं दिया जाता है तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में काफी असर पड़ सकता है। तो अब इस भी इस तरह की खबर आना यह अपने आप में काफी अहम है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि काफी पहले से भी एश्योरेंस और कहीं ना कहीं जरा के हवाले से खबरें आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऊपर फाइनल कंक्लूजन आते हुए दिखाई नहीं दिया है। अच्छा जी, ये बताइएगा कल के हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? जी अभी जो एहतजाज की भी कॉल है उस हवाले से कितनी तैयारियां हैं, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर है? जी एहतजाज के हवाले से एपेक्स बॉडी की जानिब से ऐलान किया गया है चलो आंदोलन का, और बड़े पैमाने पे सेंसिटाइज किया है लोकल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एपेक्स बॉडी को सपोर्ट करते हुए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी 3 तारीख को करगिल बंद लेह चलो का नारा दिया है, तो 3 तारीख को एक बड़ा रैली लेह के अंदर देखने को मिल सकता है, और तैयारियां काफी जोरों पर किया जा रहा है। हालांकि उसके बरक्स में रूलिंग पार्टी की जानिब से एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ का डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल के नारे भी काउंटर में
प्लान कर रहे हैं, लेकिन अपेक्स की जानिब से तैयारियां काफी जोरों पे किया गया है। बहुत शुक्रिया इसहाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर मरकजी हुकूमत मजीद अजला कायम करेगी लद्दाख के अंदर। और मसवदा जो है वो तहरीर कर दिया गया। आपको याद होगा कि मेंबर पार्लियामेंट जो लद्दाख के, उन्होंने मरकजी वजारत दाखिला के साथ मीटिंग्स की थी जिसमें इसकी प्रोजेक्शन की गई थी, और अब माना जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर उस खाके को मंजूर किया गया और बहुत जल्द ये अनाउंसमेंट मुतवक्का है दिल्ली से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले।